सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल सम्राट मेडिकल नॉलेज को और साथ में दबाएं बेल आइकन को हमारे सभी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, आज हम लोग जानेंगे लेवेटा सिरप के बारे में। लेवेटा ब्रांड नेम है, इसका जेनेरिक नेम या कंपोजिशन लेवोसेट्रिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड है। इसके प्रत्येक 5 ml में लेवोसेट्रिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg पाया जाता है। इस सिरप को एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, जो 30 ml के क्वांटिटी में प्लास्टिक बोतल के रूप में 47.20 रुपया के कीमत पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर ईजिली मिल जाता है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लेवेटा सिरप का उपयोग कौन कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है, कितने दिन तक दिया जाता है, तथा लेवेटा सिरप को उपयोग करने के बाद कौन कौन सी परेशानियां हो सकती है, क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। इन सारी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेवेटा सिरप को खासकर बच्चों के लिए बनाया जाता है। यह एंटी हिस्टामिन दवा के समूहों से संबंधित है। इसका उपयोग कई प्रकार के एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस में जब बच्चों के शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाता है, तब उसे खांसी होता है, बार बार छींके आता है, नाक से पानी बहते रहता है, आँखें लाल हो जाता है तथा आँखों से आंसू आते रहता है, तब डॉक्टर द्वारा एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ एंटी एलर्जिक दवा के रूप में लेवेटा सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में जब किसी बच्चे को किसी दवा के अंतर प्रभाव के कारण या धूल मिट्टी या किसी केमिकल के त्वचा से संपर्क होने पर लाल चकत्ता हो जाता है, उस जगह पर लहर या जलन और ईचिंग होते रहता है, तब अन्य दवाइयों के साथ एंटी एलर्जिक दवा के रूप में लेवेटा सिरप को पिलाया जाता है। लेवेटा सिरप का उपयोग फेफड़ों में होने वाला संक्रमण निमोनिया में अन्य दवाइयों के साथ किया जाता है। जब बच्चे को एलर्जी के कारण काफ़ी खांसी होते रहता है, पसलियां तेज़ी से चलते रहता है, सांस का आवाज़ प्रत्यक्ष रूप से सुनाई देता है, निमोनिया के अत्यधिक प्रकोप से बच्चे को सर में तथा छाती में दर्द करते रहता है, जिससे बच्चा बेचैन हो जाता है, काफ़ी रोते रहता है, इन समस्याओं को ठीक करने के लिए भी एंटीबायोटिक दवाओं के साथ लेवेटा सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बच्चों में एलर्जिक के कारण शरीर में छोटे छोटे फुंसी हो जाता है, उसमें काफ़ी खुजलाहट होता है तथा फुंसी फटने पर उसमें काफ़ी जलन और दर्द होते रहता है, जिससे बच्चा काफ़ी रोता रहता है, तब भी डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाइयों के साथ इस घाव को छोड़ने वाले दवाइयों के साथ लेवेटा सिरप को प्रिस्क्राइब करते हैं। इस सिरप का उपयोग पित्ती जैसी समस्या को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। बच्चों में होने वाला कॉमन कोल्ड को ठीक करने के लिए भी अन्य दवाइयों के साथ लेवेटा सिरप का उपयोग करवाया जाता है। अब जानेंगे लेवेटा सिरप का उपयोग कैसे किया जाता है, इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों, इस सिरप को छोटे बच्चों में 1.25 ml से 2.5 ml दिन में एक बार प्रतिदिन तथा बड़े बच्चे को 2.5 ml से 5 ml दिन में एक बार प्रतिदिन दिया जा सकता है। जानेंगे लेवेटा सिरप के दुष्प्रभाव के बारे में। इस सिरप को पिलाने के बाद आपके बच्चे को क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, क्या क्या परेशानियाँ हो सकता है। तो दोस्तों, इस सिरप को पिलाने के बाद बच्चे को नींद आ सकता है, दस्त लग सकता है, थकान महसूस हो सकता है तथा कॉन्स्टिपेशन, लेट्रिन नहीं होने की समस्या हो सकता है। ये इनकी कुछ साधारण साइड इफ़ेक्ट है। अगर इसके अलावा और किसी भी प्रकार के परेशानी आपको दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और उनके द्वारा निर्देशों का पालन करें। दोस्तों, लेवेटा सिरप के बारे में और किसी भी प्रकार के जानकारी के लिए कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।